हेलो दोस्तों, आज करवाने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ और चैप्टर नंबर दो करवाने वाले हैं, और जिसमें होगी 2.1। पहली प्रश्नावली कराएंगे पार्ट दो में, अपन 2.1। इससे पहले हम पार्ट एक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, कम्प्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा बच्चों। अब देखिए 2.1, ओनली सवाल देखते ही आप सवाल का आंसर जब आप दे दोगे ओनली 2 सेकंड में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, सवाल देखते ही आप कर दोगे, ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें घुमा फिराओ, सिंपल सा सवाल है। सवाल देखो, इसका सीधा जवाब दो। तो देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक, तो उसको देखो। केवल आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल आपको ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली लाइन देखनी है, इससे कोई मतलब नहीं। सभी क्वेश्चनों में यही वाली देखनी है, ओनली ये वाली, ठीक, ये दी हुई है, सब इसी से मतलब रखना है, इससे कोई मतलब नहीं। और कितना लाइन है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल ये वाली लाइन से मतलब रखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्स एक्स के समांतर बोली जाती है, ठीक है, एक्स, तो क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन का इसका जवाब दे रहे हैं, हल लिखेंगे, दिया गया है पी ऑफ एक्स का, ठीक है, पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब आपको बताएं ये आंसर कहाँ दे रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे करते हैं, कैसे किया, कैसे ये लाइन है, इस पर कोई दूसरी लाइन इसको नहीं काट रही है, यानी इसको दूसरी इस वाली लाइन से मतलब नहीं, इसके अलावा दूसरी लाइन, ये तो ग्राफ ही होता है इस तरीके के, जैसे ग्राफ है, ये काट रही है, इससे कोई मतलब नहीं, इस वाली लाइन को, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन काट रही है, वही आंसर होता है। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें ये लाइन को एक जगह काट रही है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, दिया गया है पी ऑफ एक्स एच को, पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एच को केवल एक बिंदु पर, एक ही जगह पे तो काट रही है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लिख सकते हो, देखो एक क्वेश्चन पैदा हो गया, अब दूसरे का जवाब देना, दिया गया है कि पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 1, या आंसर हो जाएगा। जैसे अब ये वाला देखूँ, सवाल एम के हैं के जगह पर काट रहा है, देखो 1, 2, 3, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, दिया गया है पी ऑफ एक्स ग्राफ एक्स को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, आता है पी ऑफ एक्स के शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक, सवाल समझ में आया ना, वीडियो को लाइक कर दो, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करके बताना है, और वीडियो को शेयर करो, अगर आप लोग यार शेयर नहीं करते वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक, जरूर अपने दोस्तों को भेजा करो, शेयर किया करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता देना। अब क्वेश्चन ये देखो, इस पर पी ओ पी एक्स का ग्राफ ये लिखा है, पी ओ पी एक्स का ग्राफ है, ये पी ओ बाई का ग्राफ बोला जाता है, क्योंकि ये बाई का ये वाला एक्स का है, तो इसमें केवल एक्स की बात पूछी गई है। इस पर कितनी जगह काट रही है, इसे देखा तो 1, 2 बिंदु पर काट रही, तो इसके पी ऑफ एक्स के शून्य संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, इसमें पी ऑफ संख्या 2 हो जाएगी, ठीक। इस पर देखो कितनी जगह काट रही है, 1, 2, 3,
चार, तो इसमें शून्यों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, चार। इस पर लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स का ग्राफ इस चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यों की संख्या चार होगी। इसमें देखो एक क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है, ध्यान रखना। एक यहाँ पे ये दो बार टच हो रही है, तो ये मत कहना ऐसे नीचे निकल के आ रही है, ये नीचे निकल के नहीं आ रही इस तरीके से। देखो इसमें इस तरीके से नीचे निकल के नहीं आ रही, यहाँ टच होकर तुरंत वापस आ रही है, नीचे नहीं आ रही, तो इसको एक ही बिंदु मान लिया जाएगा। एक दो तीन बिंदु, तीन बिंदु की नीचे आती तो डबल बार करती, कोई लाइन अगर क्रॉस करती है, जैसे मानो कोई लाइन अगर क्रॉस करती है तो उसको तीन बिंदु बोले जाते हैं, अदरवाइज एक ही बिंदु रहता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन, देखो जैसे ये लाइन है, इस पर यूँ करके यूँ नीचे क्रॉस होती तो दो जगह पर कटती, देखो क्रॉस होती, क्रॉस नहीं करती ना तो एक ही जगह पे, तो एक बिंदु बोले। इसके पी ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। मैं तो सवाल समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दो, एक बार शेयर करो। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और दो पॉइंट दो के साथ। तब तक बच्चों जय हिंद।